ज्योतिर्वर्च स्वाहा ओम स्वाहा ओम सजूरदेवेन सवित्रा सजूरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वीतु स्वाहा ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्नमः ओम भुवर्वायवीपानाय स्वाहा इदं वायवीपानाय इदन्नमः ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमः ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्य प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्य प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमः ॐ आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मध्यमेधयाग्निमेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देवसवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ॐ अग्नेनयसुपथारायि अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमीनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। तो ये तो सामान्य जो यज्ञ की आहुतियां हैं वो हमने दी हैं। फिर इसके बाद एक ये पुस्तक है वैदिक नित्य कर्म विधि, ये भी अपने यहाँ पतंजलि से ही अभी रामनवमी के ऊपर ही इसका मुद्रण हुआ है, प्रकाशन हुआ है। तो इसमें विशेष यज्ञ की आहुतियां भी आप दे सकते हैं अपने घर में जो विशेष अवसर होते हैं। तो इसमें जैसे आपको पाक्षिक यज्ञ करना है तो उसमें दर्श पौर्णमासष्ठी, फिर पितृ यज्ञ, बलि वैश्व देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ और सुबह शाम के मंत्र। इसमें जागते ही किन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, सोते समय हमें अपने मन को किस भाव से युक्त करके सोना चाहिए, तो वो सब इसमें विशेष उपक्रम जो हैं उनके मंत्र भी दिए हुए हैं। जैसे रामनवमी है, आर्य समाज का स्थापना दिवस है, नव संवत्सरिष्टि है, श्रावणी उपाक्रम, जन्माष्टमी, विजयदशमी और शारदीय नवसस्यष्टि यानी दीपावली और मकर संक्रांति, वसंत पंचमी, सीताष्टमी। इस प्रकार से जो अपने भारतीय पर्व हैं तो उनमें, या फिर कुछ अपने घर में कोई विशेष कोई वागदान, विवाह, सगाई आदि होती है तो हमारा हर कर्म यज्ञ से ही शुरू होता है और होना भी चाहिए। कोई वैवाहिक कार्य है, शिलान्यास है, किसी भवन का उद्घाटन है, तो ये सब इस पुस्तक में विशेष मंत्रों से भी हम आहुति दे सकते हैं। तो आप इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, गूगल पे भी इसको डाल देंगे तो वहाँ भी आप इसको देख सकते हैं। तो अभी हम सामान्य रूप से जो यज्ञ करते हैं केवल उन्हीं मंत्रों से आहुति दे रहे हैं। तो यहाँ तक हो गया। अभी हम 3 बार
महामृत्युंजय मंत्र से, और फिर एक राष्ट्र के लिए प्रार्थना करेंगे, और फिर स्विष्टकृत आहुति दे करके समापन की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए, आज पूरा देश नहीं, पूरा विश्व एक बहुत बड़े संघर्ष से जूझ रहा है, एक बड़ी आपदा से, संकट से जूझ रहा है। तो ऐसे में जो बच जाते हैं, जो इस शरीर को छोड़ के चले गए, उनको तो, क्योंकि उन्होंने इस जन्म में तो ऐसा कोई अपराध किया नहीं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो वायरस है ये आर्टिफिशियल है, कुछ कह रहे हैं ये नेचुरल है। तो जैसा हम मनुष्यों ने भूल की थी, तो भगवान जी ने हमें पुनः उस वैदिक यज्ञ और योग की पद्धति पर लाने के लिए, तो अनेक अनेक प्रकार की ऐसे बातें प्रचलित हैं। पर जो भी हो, अब मुख्य बात यह है कि जो परिस्थिति हमारे सामने है उसको हम कैसे फेस करें। तो उसमें मुख्य रूप से यज्ञ और योग, और हमारे पूर्वजों ने भी यही कहा, एक बहुत बड़े आर्य समाज के विद्वान हुए हैं गुरुकुल कांगड़ी के आचार्य अभय देव जी, तो उन्होंने तो एक पुस्तक ही लिखी है, योग और यज्ञ। जैसे पक्षी के दो पंख होते हैं और उसके बल पे वो अनंत आकाश में उड़ान भरता है, ऐसे मनुष्य के जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जो भी मनुष्य महान हुए इस सृष्टि में, और आज भी जो महान हैं और आगे भी जो महान होते रहेंगे, उनके जीवन की महानता का एकमात्र राज, एकमात्र रहस्य ये दो ही चीजें हैं, यज्ञ और योग। यज्ञ और योग के बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में ऊंची उड़ान नहीं भर सकता है। तो अब ये दो चीजें ही हमें कोरोना से भी बचाएंगी। और जिन लोगों ने अपने घर में, अपने आसपास, जैसे मैं बात करूं, जहां योग ग्राम में, निरामयम में हम बैठे हुए हैं, तो यहाँ योग ग्राम और निरामयम दोनों में मिलाकर के लगभग 700-800 भाई बहन यहाँ पर हैं। और यहाँ पर क्योंकि प्रतिदिन कम से कम 10 किलो हवन ही से यज्ञ किया जाता है, और विशेष प्रकार की सामग्रियों से आहुतियाँ दी जाती हैं, तो इस कारण से यहाँ पर इतने लोगों के रहते हुए भी कोई यहाँ पर इफेक्ट नहीं है, कोई कोरोना से परेशान नहीं है। तो ऐसे यदि हम अपने घरों में भी इस प्रकार का इन्वायरमेंट बना करके रखें, तो हम एक, कोरोना की तो बात छोड़िए, किसी भी शारीरिक या मानसिक रोग हमारे पास आ नहीं सकते हैं। लेकिन जो लोग हमें छोड़ करके चले गए हैं, और उनके जो परिजन हैं, और उन लोगों को भी, क्योंकि वो अभी जाना नहीं चाहते थे, तो उनकी आत्मा को भी एक सद्गति मिले, और भगवान जी उनको अपने चरण शरण में रखें, तो उन सब भाई बहनों के लिए हम सब मिलकर के महामृत्युंजय मंत्र से आहुतियां देते हैं। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमाने द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजितब्रह्मलोकं स्वाहा। और अब अपने राष्ट्र के, पूरे राष्ट्र के कुशल क्षेम के लिए, क्योंकि हम यदि स्वस्थ हैं और हमारे आसपास यदि लोग दुखी हैं, तो हमारा जो सुख है वो अधूरा है। फिर हम और हमारे आसपास सब लोग सुखी हों, यही हमारे ऋषियों का, उनका मनोभाव रहा, सर्वे भवन्तु सुखिने। और पूरे राष्ट्र के कुशल क्षेम के लिए इस मंत्र में प्रार्थना की जा रही है। तो मुझे लगता है कि
जैसा मुझे बताया पूज्य स्वामी यज्ञ देव जी ने कि आज 1,000 भाई बहन इस यज्ञ में हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी यज्ञ कर रहे हैं, तो हजारों लोग श्रद्धा पूर्वक कोई प्रार्थना करते हैं, कोई प्रेयर करते हैं, तो निश्चित रूप से वो परिणाम लाती है। प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है, जैसे पुरुषार्थ में शक्ति होती है वैसे ही प्रार्थना में भी बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो आइए अपने पूरे राष्ट्र के कुशल क्षेम के लिए हम जल्दी से जल्दी इस भीषण महामारी के इस चक्रव्यूह से बाहर निकलें, तो इसकी प्रार्थना भगवान से करते हुए, क्योंकि भगवान से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, तो हम उन्हीं से प्रार्थना करें, वो ही हमें इस महान संकट से बाहर निकाल सकते हैं। ओम आ ब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् माराष्ट्रेराजन्यशूरैषव्योऽतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रीधेनुर्वोढानढ्वानाशुः सप्तिपुरन्धिर्योषा जिष्णोरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधय पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् स्वाहा। ओम स्वाहा। और अब पूर्णाहुति से पहले मैं पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी को कहूंगी, आहुति डालते जाएंगे और हम साथ साथ इसके बारे में कुछ चर्चा भी करते जाएंगे यज्ञ के बारे में। देखो, एक तो इस यज्ञ से इसका स्थूल लाभ क्या होता है, महर्षि दयानंद ने तो जो बताया है सो बताया ही है, और आप सब अपने खुद के अनुभव से भी देख पा रहे होंगे, जो भाई बहन जिन्होंने पाक्षिक रूप से भी अपने घर में यज्ञ करना शुरू किया है, या साप्ताहिक रूप से या मासिक रूप से, तो किस तरह से अपने घर में एक परिवर्तन आता है वो आपने देखा होगा। और उसके साथ ही मैं एक बात और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कल सुबह 6 बजे आप आस्था चैनल पे सुबह लाइव देखना ना भूलें। जो भी अपने PRI में अपने साइंटिस्टों ने और अपने कुछ सन्यासियों ने, जिसमें पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी, पूज्य स्वामी विप्रदेव जी, इन्होंने मिलकर के जो रिसर्च किया है कि इससे क्या क्या, यज्ञ से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, स्थूल लाभ, तो वो पूरे रिसर्च पेपर के साथ कल सुबह 6 बजे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी, जो अपने जो साइंटिस्ट टीम है उनके जो उनका नेतृत्व कर रहे हैं, उनके हेड हैं, तो वो आपको बताएंगे। क्योंकि इसके ऊपर यज्ञ तो सृष्टि के आदि से चल रहा है और हम भी कर रहे थे 50 साल से, हम भी देख ही रहे हैं घरों में, परिवारों में, आर्य समाज में। तो जो महर्षि दयानंद से जुड़े हुए परिवार हैं, जो आर्य समाज से जुड़े हुए परिवार हैं, वो यज्ञ करते ही हैं, लेकिन वो यज्ञ करने से उसके ऊपर रिसर्च करना ये कोई इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि उसके लिए करोड़ों रुपए की मशीन, फिर इतने बड़े साइंटिस्ट, फिर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब हमारे पास पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी और साइंस के युग में ये बड़ा काम भी अगर कोई कर सकता है, कोई इंस्टीट्यूट, तो वो पतंजलि योगपीठ ही कर सकता है। तो आपको बहुत प्रसन्नता होगी उसके बारे में जान करके भी। यज्ञ करते थे, यज्ञ से लाभ होता है ये भी हम जानते थे, इसीलिए करते थे, लेकिन किस तरह से उसका मैकेनिज्म, उसका प्रोसेस क्या है, तो वो सब बताएंगे कल हमें। ये जो यज्ञ शब्द है ये केवल हवन के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। हवन शब्द तो जो क्रिया हम कर रहे हैं अभी उसी के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन यज्ञ शब्द इसके अतिरिक्त और ज्यादा विराटता को अपने अंदर समेटे हुए, और ज्यादा व्यापक है यज्ञ शब्द। जैसे जप यज्ञ, जैसे किसी के पास घी नहीं है, सामग्री नहीं है,
तो वो उस तरह के मंत्रों का उच्चारण करी तो उससे भी एक एनर्जी विकसित होती है। तो जप यज्ञ भी कहा गीता में, ऐसे ही ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ का मतलब है जो हम संध्या करते हैं उसको भी यज्ञ कहा है। इसको देव यज्ञ कहा है, जो दैवी शक्तियां हैं उनको भोजन खिलाना, ये देव यज्ञ का मतलब है। देवों का यजन करना, देवों को खुश करना, देवों को तृप्त करना, उनका सत्कार करना, तो इसको देव यज्ञ कहा। तो देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, दान यज्ञ, जप यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, कर्म यज्ञ, तो यज्ञ शब्द बहुत व्यापक है। तो हम जो कुछ भी क्रियाएं कर रहे हैं वो सब यज्ञ की श्रेणी में आ सकती हैं, क्योंकि इस यज्ञ से जितना लाभ होगा और जितना हमने समझा है उतना तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन यदि ऐसा हो कि हमारा पूरा जीवन ही यज्ञ बन जाए, जब हमें 1 घंटा या 2 घंटा, जैसे आप आज यज्ञ कर रहे हैं तो आपको कितना अच्छा लग रहा है 1-2 घंटे में, और यदि हमारे जीवन का प्रति पल ही यज्ञ बन जाए तो फिर कितना अच्छा लगेगा हमें। और ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ये सारी सृष्टि यज्ञ कर रही है, और यज्ञ भी मौन रूप से कर रही है, कोई बहुत ज्यादा शोर भी नहीं मचा रही है। देखो, जो कुछ दूसरे की भलाई के लिए किया जाता है, जिस कर्म में इदन्न ममा की भावना होती है कि ये मेरा नहीं है, ये सब कुछ जो कुछ भी यहाँ पर है वो सब परमात्मा का है, और उसका प्रयोग मैं इस प्रकार से करूं कि उसमें मेरी भी भलाई हो और मेरे साथ साथ सबकी भी भलाई हो और इस सृष्टि की कोई हानि भी ना हो, इसका नाम यज्ञ है। मैं आपको शास्त्रीय भाषा में नहीं, सरल सरल शब्दों में बताना चाह रही हूँ, ताकि सरल शब्द हमारे मस्तिष्क में ज्यादा समझ में आते हैं और हमें याद रहते हैं। यदि मैं यहाँ पर कुछ मंत्र या श्लोक बोलूंगी तो हो सकता है आप उसको भूल जाएं, लेकिन हमारे जीवन का ऐसा, हम एक ऐसा उसका आचरण बना लें, इस तरह का उसका स्टाइल बना लें कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं 24 घंटे, यहाँ तक कि हमारा सोना भी, और जागते हुए जो कुछ कर रहे हैं और नींद में भी, सोए सोए भी, तो वो सारा का सारा हमारा पूरा जीवन यज्ञ बन जाए। और ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि ये सारी सृष्टि, जैसे मैंने बताया, यज्ञ कर रही है। गीता में 3रे अध्याय में भगवान योगेश्वर कृष्ण खुद कह रहे हैं, वे कह रहे हैं ये सारी सृष्टि मैंने यज्ञ पूर्वक ही मैंने इसका निर्माण किया है। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचः प्रजापति। ये 3रे अध्याय का 10 नंबर है। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचः प्रजापति अनेन प्रसविष्य ध्वम् एष वह अस्तु इष्टकाम दुःख। भगवान जी यहाँ पर बता रहे हैं कि मैंने ये सारी सृष्टि का जब मैंने निर्माण किया, यज्ञ सहित ही मैंने इसका सृजन किया है। सह यज्ञा, यज्ञ सहित, यज्ञ के साथ, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, प्रजा मतलब हम सब प्रजाएं, जड़ और चेतन जो कुछ भी हैं ये सब परमात्मा की प्रजाएं हैं। तो इसको सह यज्ञा सृष्ट्वा, इसका सृजन करके, यज्ञ सहित इसका सृजन करके प्रजापति पुर उवाच। सृष्टि के आदि में ही प्रजापति ने ये कह दिया था। जैसे ही सृष्टि बनाई तो सृष्टि के आदि में ही भगवान ने, प्रजापति ने हमें ये निर्देश दे दिया था, अनेन प्रसविष्य ध्वम, कि तुम इस अनेन माने इस यज्ञ के द्वारा ही, जो ये सृष्टि में यज्ञ प्रचलित है, इसके द्वारा ही प्रसविष्य ध्वम, आगे वृद्धि को प्राप्त करना। माने जीवन में यदि वृद्धि होगी तो इस यज्ञ के द्वारा ही होगी। अब हमें ये लगता है कि इसके द्वारा जीवन में वृद्धि कैसे होगी, इसमें तो कुछ ह्रास तो हो सकता है। हमारे घर में 1 किलो घी था और हमने यजन कर दिया तो 1 किलो घी हमारा ह्रास को प्राप्त हो गया, हानि हो गई, ये बढ़ेगा कैसे, ऐसे हमें लगता है। लेकिन पहले गीता के श्लोक को पढ़ते हैं। अनेना प्रसविष्य ध्वम, इस यज्ञ के द्वारा ही तुम वृद्धि को प्राप्त करना, एष वह अस्तु इष्ट काम दुख। एष, ये यजन ही,
वह हम सब के लिए या तुम सब के लिए इष्ट काम दुख अस्तु होवे, सब इच्छाओं को पूरा करने वाला ये यजन है। तो देखो कितनी बढ़िया बात बता दी। हम कोई ऐसा ही तो कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई ऐसी सिद्धि, कोई ऐसा कर्म, कोई कुछ ऐसा ही तो हम करना चाहते हैं कि जिसके माध्यम से हमारी सब इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। एष वह अस्तु इष्ट काम दुख, ये आपकी सब इष्ट कामनाओं को, इष्ट कामना मतलब अच्छी इच्छित इच्छित कामनाओं को ये पूरा कर देगा, लौकिक कामनाओं को भी पूरा कर देगा, आध्यात्मिक कामनाओं को भी पूरा कर देगा, लौकिक दृष्टि से भी ये हमें वृद्धि को प्राप्त करवाएगा और आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये हमें मोक्ष तक पहुंचाएगा। तो ये देखो कितना अच्छा कर्म है ये। तो कैसे पहुंचाएगा ये, तो इसके लिए हमें यज्ञ को समझना पड़ेगा। इस सारी सृष्टि को पहले हम देखें कि ये सृष्टि कैसे चल रही है, क्योंकि मैं भी एक सृष्टि का एक पार्ट हूँ, एक छोटा सा। तो ये सारी सृष्टि श्रद्धे स्वामी जी महाराज हमें बताते हैं, हमारे शरीर में भी और इस सारी सृष्टि में भी हम देखते हैं कि हमारा ये जो शरीर है ये हमारी इच्छा से तो चलता है 1-2% या मैक्सिमम 5%, बाकी 95% तो ये ऑटो मोड पे चलता है, भगवान ने सेट कर रखा है। हम क्या क्या खाना खाते हैं और उसकी कौन कौन सी 7 धातुएं बनेंगी, कब बनेंगी, कैसे उसका आहार का पाचन होगा, कैसे अंदर पकाया जाएगा, पका पकाया खाते हैं हम कितना, रोटी सब्जी दाल आदि सब पका के, चावल आदि पका के खाते हैं, फिर वो जो खाया उसको फिर पकाया जाता है एक बार अंदर, तो हम तो पकाते नहीं है वहां पर कि उससे रस अलग बन जाए और उसका वेस्ट भाग अलग बन जाए, रक्त अलग बन जाए, मांस मेद मज्जा अस्थि ये सब 7 धातुएं जो हैं ये हम नहीं बना सकते हैं उसको। तो एक सिस्टम बना हुआ है, तो कोई व्यक्ति उसके बारे में सोचे ना सोचे, मैंने कैसा खाया वो कैसा उससे क्या क्या बनेगा, लेकिन वो तो बनता ही है, ना सोचे तो भी बनता ही है। तो ऐसे ही इस सृष्टि में भी ये सारी सृष्टि एक ऑटो मोड पे काम कर रही है, तो वो कार्य हो ही रहा है। तो हमें यहाँ पर भगवान निर्देश देते हैं कि तुम भी अपने जीवन को वैसे ही बनाना जैसे सृष्टि में। तो अब हमें सृष्टि की तरफ देखना है, सृष्टि कैसे काम कर रही है। सृष्टि में जब से ये सृष्टि बनी, हमारे पिता, हमारे दादा, हमारे परदादा, उनके पिता, उनके भी पिता, कितने लोग, कितनी पीढ़ियां आई और चली गई, और पीछे हम जाएं तो राम कृष्ण हनुमान शिव जी जितने भी हमारे महापुरुष वो सब भी यहाँ पर आए, तो उन सब का साक्षी ये सूर्य भगवान है, उन सब का साक्षी चंद्र भगवान है, उन सब का साक्षी ये दिशाएं हैं। हमने उनको नहीं देखा लेकिन ये सब के कर्मों को जानता है, और हमने भी अब तक पता नहीं कितने सारे जन्म लिए हैं, तो हमारे सब जन्मों का साक्षी ये सूर्य भगवान है। तो इसको पता है हमने कब कौन सा पुण्य किया था, कब कौन सा पाप किया था, लेकिन सबका साक्षी होते हुए भी सूर्य कभी ये भेदभाव नहीं करता है कि तुमने पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म किए थे तो अब तुम्हारे को मैं धूप नहीं दूंगा, इस जन्म में इस व्यक्ति ने बड़े पुण्य किए हैं तो इसको तो मैं कुछ एक्स्ट्रा धूप दूंगा, या वायु कहे कि भाई ये तो बड़ा धर्मात्मा है इसको तो ऑक्सीजन थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, और ये तो बड़ा पाप आत्मा है तो इसको तो थोड़ा कम मिलेगा, ऐसा ये भेदभाव नहीं करते, ये सबको बराबर, यद्यपि ये जानते हैं ये साक्षी हैं हमारे सब कर्मों की, ये दिशाएं साक्षी हैं, ये सूर्य चंद्र सृष्टि साक्षी है हमारे सब जन्मों के, जानते हैं हमने कब क्या किया था, लेकिन तो भी ये हमें अपनी कृपाएं दिए जाते हैं, इनसे हम ये सीख सकते हैं कि जीने का ढंग ये है, क्योंकि हमारे जीवन में ऊंचा नीचा उतार चढ़ाव सुख दुख प्रसन्नता अप्रसन्नता इसीलिए आती है कि इस व्यक्ति ने ऐसे किया इसलिए मैं दुखी हो गया, इस व्यक्ति ने ऐसा व्यवहार नहीं किया। अब कहीं पर कोई फंक्शन हो रहा था, कहीं कोई मीटिंग हो रही थी और वहां पर हमारा नाम नहीं लिया गया, गुरुजी ने हमारा नाम नहीं लिया, या जिन्होंने नाम लिख के दिए लिस्ट में उन्होंने हमारा नाम सबसे नीचे लिख दिया, तो हमारा नाम लिया तो भी सबके लास्ट में लिया,
तो इतने से ही फिर हमारा तो बीपी ऊपर नीचे हो जाता है और हम कहते हैं हमें ऐसे सेवा नहीं करनी। हम इतनी सेवा करते हैं और हमारी सेवा को हमारे गुरु के सामने ये लोग पहुंचाते ही नहीं है, तो हमें ये सेवा नहीं करनी। तो इस तरह का उतार चढ़ाव ये सृष्टि के जो देव हैं ये नहीं करते हैं, तो हमें इनकी तरह से जीवन जीना सीखना है तो हमारा जीवन यज्ञमय बनेगा। ये कहते हैं कि हमारा काम है, सूर्य कह रहा है जब से सृष्टि बनी और जब तक सृष्टि चलेगी तब तक मेरा एक ही काम है, लोगों को प्रकाश देना, लोगों को ताप देना, लोगों को जीवन देना, इस सारी सृष्टि को, पेड़ पौधों को, मनुष्यों को, सब प्राणियों को। वो अपनी सेवाएं दिए चले जा रहे हैं और बदले में कुछ भी नहीं चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई उनको एक लोटा अर्घ देते हैं तो वो बड़े खुश होते होंगे उनसे, ऐसा नहीं है। उससे हमारी आत्मा तृप्त होती, इसलिए हम देते हैं। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, यहाँ गीता में बताएंगे। यज्ञ तो जीवन तो सभी जीते हैं, कर्म तो सभी करते हैं, तो वो तीन प्रकार के यज्ञ इसमें बताए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सृष्टि से यदि हम ये सीख लें कि हमें अपना काम किए जाना है, पड़ोसी क्या कर रहा है, मेरा संबंधी क्या कर रहा है, मेरा पार्टनर क्या कर रहा है। एक बहुत बड़े संत हुए हैं इस युग के, परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनके एक शब्द हैं, कुछ शब्द मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो कहते हैं, तेरे भावें जो करे भला बुरा संसार, नारायण तू बैठकर अपना भवन बुहार। हम क्यों देखें कि कौन कैसा व्यवहार कर रहा है, और फिर वो यदि अच्छा नहीं कर रहा है तो हम भी अच्छा नहीं करेंगे। वो अपना कर रहा है, जैसे उसके संस्कार हैं, जैसी योग्यता पात्रता है, और हम यदि अच्छे हैं तो हम अच्छा कर्म करें, हम सेवा करें, हम श्रद्धा से युक्त रहें। हम उसके कारण अपनी श्रद्धा को नीचे क्यों लाएं, उसके बुरे व्यवहार के कारण हम अपनी सेवा के कार्य को क्यों छोड़ें। ये सूरज किसी के अपमान करने से क्या कभी अपना काम छोड़ता है, क्या वायु अपना काम छोड़ती है, क्या ये धरती माता कभी अपनी सेवाएं देना बंद करती है। तो ये यज्ञ है, ये मौन रूप से अपनी सेवा दिए ही चले जा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अपने कर्तव्य का ध्यान रखना चाहिए, तो हमारा सारा जीवन यज्ञमय बन जाता है फिर। और जो व्यक्ति दूसरे के कर्तव्य को देखता है, निश्चित रूप से उतनी देर के लिए वो अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है। जो दूसरे के कर्तव्य को देखेगा तो अपने वाला भूल जाएगा कि मेरा क्या कर्तव्य था, उसकी पूरी दृष्टि दूसरे के ऊपर रहेगी। गुरुजनों का ये कर्तव्य है, जो हमारे बॉस हैं फैक्ट्री में उनका ये कर्तव्य है कि वो हमारे साथ ऐसा बिहेव करें, बच्चों का ये कर्तव्य है कि वो माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करें, और हमारे जो बड़े भाई बहन हैं उनका ये कर्तव्य है, छोटे वालों का ये कर्तव्य है, माता पिता का ये कर्तव्य है, पति पत्नी का ये कर्तव्य। दूसरे के ही कर्तव्य को हम देखते रहते हैं कि क्या इनका ये कर्तव्य नहीं है, मैं संगठन में इतनी सेवा करता हूँ या करती हूँ, तो ये कम से कम मेरी सेवाओं को स्वामी जी के सामने ठीक से रखें, क्या ये इनका कर्तव्य नहीं है? है, पर ये तो बात उसको खुद देखने दो जो व्यक्ति उस स्थान पे बैठा है। आपका क्या कर्तव्य है?